लाहौल स्पीति से बर्फबारी के साथ ही हर मौसम में लाहौल जैसे दुर्गम इलाके में रोजाना 32 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले डाक कर्मी को केंद्र सरकार ने मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया है। लाहौल के गोशाल निवासी डाक विभाग में तैनात प्रेम लाल को प्रतिष्ठित मेघदूत पुरस्कार से नवाजा गया है, क्योंकि वो घाटी के दूर दराज के लोगों को डाक भेजने के लिए रोजाना 32 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने प्रेम लाल को प्रतिष्ठित मेघदूत सम्मान से अलंकृत किया। मैंने 25/3/1981 को मैंने अपने बीओ गुशाल में ज्वाइनिंग दी, उसके बाद मेरे को बाकी कई कई जगह भेजा गया, वहाँ भी कार्य किया। सबसे मेन रहा मेरा 2013 को 8/10/2013 को मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई हुई उदयपुर सलगन लाइन की। वहाँ मेरी गर्मियों को तो नहीं है दिक्कत थी, सर्दियों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। सर्दियों को एक तो बर्फबारी का टाइम होता है जी, काफ़ी बर्फ पड़ती है, उस सुबह जल्दी जाना पड़ता है जी, 16 किलोमीटर उधर 16 किलोमीटर वापसी आनी पड़ती है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे संबंध गांव से संबंध रखने वाले प्रेमलाल जी जो डाक विभाग के कर्मचारी है, उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान मेघदूत अवार्ड से नवाजा गया है। और हम सभी ग्रामवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और मैं समस्त गाँव वासी और ग्राम पंचायत और समस्त लाहौल वासियों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ।